हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आप सभी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू यार, आप सभी ने मेरे 300 सब्सक्राइबर का गोल पूरा करा दिया। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 400 सब्सक्राइबर का, तो वो भी जल्दी से जल्दी पूरा करवा दो। डेली इतने सारे लोग वीडियो को देखते हैं, अगर उनमें से 1-2% भी सब्सक्राइब कर दे तो हमारा वीडियो का गोल पूरा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो। और बात करते हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हमारे पास बहुत सारी न्यूज होने वाली है पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से। वीडियो को शुरू करते हैं और हमारी फर्स्ट न्यूज निकल के आ रही है हाइड्रा की तरफ से। तो हाइड्रा डेंजर ने अपनी स्ट्रीम पे बताया कि जो हाइड्रा की जो न्यू लाइनअप है जिसके ट्राईआउट्स चल रहे हैं, वो विलेजर ईस्पोर्ट्स भी खेल रही हैं। और आप विलेजर स्पोर्ट्स के पूरे 16 टीम्स की जो लिस्ट है वो देख सकते हैं। और आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी टीम है जो हाइड्रा में अभी खेल रही है, और डेंजर की वाली क्लिप भी आप देख सकते हैं। और तुम्हारे सामने देखो भाई, मैं कभी कभी बहुत गंदा काटता हूं, तुम उसको दिमाग में मत रखो, बट ये एक ही सच बोलो मैं जो विलेजर खेल रहे, बाकी सब सच नहीं बोलता मैं। इसलिए मेरी बात को तुम सीरियसली मत लो। तुमको पता है ना कौन स्ट्रीमर, तुम फिर भी भाई इतना सीरियस ले लिया क्या मेरे इंटरनेशनल बातें को। पर एक ही चीज सही बोल रहा हूँ मैं, बहुत चीज एक ही विलेजर में तो है, अल्फा भाई वही बोलेगा, अल्फा भाई को पूछो ठीक है। और मुझे बहुत ज्यादा गट फीलिंग ऐसी आ रही है, जो सेल्सियस एफटीडब्ल्यू टीम है वो आपको पता है कोई टीम ऐसी, मतलब नई नई सी टीम लग रही है और इसका पहले प्लेयर्स का नाम भी रिवील नहीं है। तो क्या लगता है, क्या यही टीम हाइड्रा की है, क्योंकि बाकी सब टीम तो कॉन्ट्रैक्टेड है और इधर इधर ओर्क्स में है। और टीम फॉरएवर की बात करें तो वो भी हो सकती है, बट मेरे को ज्यादा गट फीलिंग इस टीम के ऊपर ही आ रही है। तो आपका क्या कहना है कमेंट्स में बता देना। और हाँ यार, कुछ लीक्स मेरे को ऐसी मिली हैं कि जो रेकनिंग की स्क्वाड है जो डिसबैंड हो गई थी, वो हाइड्रा के ट्रायआउट्स दे रही है। बट इसके ना होने का एक रीज़न है, क्योंकि जो रेकनिंग की स्क्वाड थी उन्होंने स्टोरीज अपनी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे बोला था उन्होंने कि वो लोग सेपरेट हो रहे हैं या टीम से भी और खुद भी, जो चारों प्लेयर हैं वो आपस में भी सेपरेट होने वाले हैं। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो निकल के आ रही है टीम सोल की तरफ से। तो आपको तो पता होगा कि जो टीम सोल प्लेयर थ्री है उनका रिवील नहीं हो रहा। सब जानते हैं कि वो सोल हेक्टर हैं, बट उनका जो ऑफिशियल है वो नाम नहीं हो रहा था। उनकी जो साइनिंग है वो नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, तो इसी के ऊपर मोर्टल ने अपनी स्ट्रीम पर अपडेट दिया कि जो सोल हेक्टर है वो बहुत जल्दी होने वाला है, और आज उनकी साइनिंग हो गई है और 2-3 दिन में उनकी अनाउंसमेंट मिल जाएगी। अनाउंसमेंट कब कर दो यार जल्दी भाई, देखो आज मैं साइन कर, आज साइनिंग हो जाएगी, डू नॉट वरी अबाउट इट, आज साइनिंग हो जाएगी, 2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा, मैं खुद साइन करूंगा, टेंशन मत लो ठीक है। वीडियो चाहिए अनाउंसमेंट का, अरे अलग ब्यूटी दे रहा है, ठीक है ठीक है, वो तो डिजर्व करते हैं लॉन्डे, डेफिनेटली अनाउंसमेंट होगा। एग्जाइल में है बेचारा, नो ब्रो, ही विल गेट व्हाट ही डिजर्व्स। नेक्स्ट अपडेट है गोडल न्यू प्लेयर की। तो सारे पूछ रहे थे कि गोडल का न्यू प्लेयर कौन है, वो गोडल न्यू प्लेयर नाम से कौन खेल रहा है, तो वो और कोई नहीं जो गोडल के फ्रैग रोनी है वही है, जो कि एकेडमी लाइनअप के साथ खेल रहे थे और कल वो जो मेन लाइनअप है वो गोडल की उसके साथ भी खेलते हुए दिखाई दिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो निकल के आ रही है यूडेव इंडिया की तरफ से। तो आपको तो पता ही होगा कि उनको डिसक्वालीफाई कर दिया था वी से, क्योंकि उन्होंने अपना POV प्रोवाइड नहीं किया था। तो इसी के ऊपर अब अपडेट निकल के आ रही है कि जो यूडेव इंडिया है उन्होंने अपने 2 प्लेयर्स को किक कर दिया यूडेव से, क्योंकि उन्होंने जो POV रिकॉर्ड नहीं किया था, जबकि उनकी पॉलिसीज में लिखा हुआ था कि POV हमेशा रिकॉर्ड करना है। तो इस वजह से 2 प्लेयर्स को किक कर दिया, और इसका कंफर्मेशन मेजी ने अपनी लाइव स्ट्रीम पे दिया था, तो उनकी वाली कंफर्मेशन देख सकते हैं। चीज़ें बताना, वैसे यूडॉग ने अपने 2 प्लेयर निकाल दिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यूडॉग ने अपने 2 प्लेयर निकाल दिए, ऐसा नहीं है कि वो हैक कर रहे थे, बट कुछ और चीज़ें हैं वो तुमको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। बाकी उन्होंने अपने 2 प्लेयर निकाल दिया, हैकर्स नहीं रहे, हैक की वजह से नहीं निकाला है, बट कुछ और चीज़ें थी, 1-2 दिन में शायद तुम लोग को पता चल जाए। तो क्या हो गया है, कितना 1v4, POV रिकॉर्ड नहीं किया ना इसलिए, या POV रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए, मेरे को ले लो यूडॉग में, उसके लिए खेलना भी आना चाहिए भाई JP, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि POV रिकॉर्डिंग इज नेसेसरी, ठीक है, POV रिकॉर्डिंग मतलब करने का है तो मतलब करने का है, मैनेजमेंट ने बोला है तो मतलब बोला है, करने का तो करने का, तो उन्होंने POV रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए तो सुनने में आया है कि BMOC के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा 10 से 15 के बीच में होने वाले हैं, तो थोड़े से डिले हो गया,
मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि वो डिले क्यों हुआ, बट 10 से 15 के बीच में तुम्हारा बीएमओसी के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं, बाकी देखते हैं। तो बस यार आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और 400 सब्सक्राइबर हमारे कराने हैं तो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार, और ऐसी सपोर्ट दिखाओ।